नमस्कार, मैं नाजमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। और अब वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों का। सिद्धार्थनगर जनपद में हिंदू मुस्लिम एकता का दिया मिसाल। धार्मिक स्थल मझोली सागर स्थिति माता समय के स्थान का मुस्लिम समाज सेवी ने अपने सहयोगियों के साथ किया साफ सफाई। मझोली सागर स्थित पर बने समय माता के स्थान पर वरिष्ठ समाज सेवी कमरुद्दीन खान और राम कृपाल वर्मा ने जनपद मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित मझोली सागर के पास बने समय माता के स्थान पर साफ सफाई की। आपको बता दें कि यहां समय माता के स्थान पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में वो स्थान लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, लेकिन वहां साफ सफाई न होने के कारण गंदगी निरंतर बनी रहती है। लेकिन आज एक मुस्लिम समाज सेवी जिसका नाम कमरुद्दीन खान है, वो अपने साथियों के साथ उस देवी स्थान पर गए और वहां की साफ सफाई की, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई दिक्कत न हो। वहीं कमरुद्दीन खान ने बताया कि चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, वहां साफ सफाई जरूरी है और हम सबको मिलकर ऐसी जगह की साफ सफाई करनी चाहिए। वहीं लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर भी हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, बल्कि उसे साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार कर सकें और स्वच्छ भारत मिशन अभियान को सफल बना सकें। आपका नाम क्या है, कहां के रहने वाले हैं? मेरा नाम कमरुद्दीन है, मैं लिगड़ा का रहने वाला हूं। जी, मझोली सागर पे जो समय जी का स्थान है, यहाँ अभी हम आ रहे थे तो देखे आप लोग सर सफाई कर रहे हैं, यहाँ घंटी भी बांधे, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हम ये देना चाहते हैं कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और इसमें जात पात की कोई नहीं है। हम हर चीज़ पे आस्था रखते हैं, जैसे मंदिर है वैसे मस्जिद है। धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? राम कृपाल वर्मा, अलीग्राम बाजार, जय सिद्धार्थनगर। ये जो आज समय माता के मंदिर पे आप लोग सर सफाई किए हैं और यहाँ घंटी बांधे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि माता जी का स्थान साफ सफाई रहना चाहिए। यहाँ छोटी घंटी थी तो माने थे मनोती, बड़ी घंटी कर दिए हैं, बांध दिए हैं। जी, आपके साथ कौन कौन थे? हमारे साथ केडी भाई हैं, कमरुद्दीन और शकील हैं, बाबा जी हैं और राकेश भाई हैं। मतलब जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम जात पात नहीं होता, जात सब एक बन के आते हैं ऊपर से, और यहाँ जात बदल जाते हैं, तो उनका भी खून लाल है, हमारा भी खून लाल है जी। तो हिंदू मुस्लिम की क्या बात है? जिसको आपने कमरुद्दीन कहा, वो कमरुद्दीन से इसके मतलब वो मुस्लिम है जी। तो उन्होंने भी साफ सफाई किया है, तो वो हिंदू समाज के हैं, वो मतलब सामाजिक आदमी है, इसलिए साफ सफाई किया है। जो सामाजिक आदमी रहता है वो पूरा सबको लेके चलता है। धन्यवाद।